हुआ था, हम लोग लड़ रहे थे तमाम यहां से लेकर वहां तक, तो कमांडर लेके अडवाणी जी आए थे और वहीं पर हम लोगों ने बस में किया था, गिरफ्तार किया जेल भेजा, उसके हम विक्टिम हैं। तो हम सांप्रदायिक ताकतों के अत्याचार के विक्टिम हैं, लाज रोड पर अभी भी हम आए। इसमें ज्यादा हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत हम लोग को नहीं है। सांप्रदायिक ताकतों का फंड, नौजवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, काला धन का ये बोल के निकल जाना कि ये जुमला था, लाख विरोध के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार में बहुत संक्षेप में मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। हम नीतीश एक ही परिवार के एक ही घर से अलग थलग सब लोग निकले हुए हैं। हम लोग मतभेद हम लोग का रहा है, लड़ाई भी रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हम लोग करते रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है इसके बावजूद विगत जो राज्यसभा का चुनाव हुआ बिहार में, बड़े पैमाने पर जदयू डोल चुका था, उखड़ गया था, उनके एमएलए सारे लोग, ये जो कैंडिडेट थे दो दो राज्यसभा को समर्थन बीजेपी कर रही थी, तो हमने परवाह नहीं किया और हमने नीतीश कुमार को टेलीफोन करके उनसे बात करके सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, आज जो दांत इनका खट्टा हो रहा है राज्यसभा में, अगर हम लोग ढीले हो गए होते तो बहुत सारा बिल यहां पास हो जाता, उनके एमपीओं को हरा, उनको रोकने के लिए हमने साथ दिया। हमारी प्राथमिकता वो है और रोकने का ही नहीं, दोबारा जीतन माझी के मामले में भी तो लगातार हम नीतीश सरकार को नहीं, नीतीश को तो सरकार में है समर्थन है, लोग पूछते हैं कि क्या है, लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां, अखबार सूत्रों दूसरों सब छपते रहा, हम लोग देखते रहते हैं, तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहां और साफ साफ शुद्ध दिल से कि हमारी प्राथमिकता है भाजपा जो दहशत फैला रहा है, और साक्षी महाराज जैसा साधु जिसको मैं जानता हूं ये बोल रहा है कि ये फेल हो रहे हैं सब जगह से, तो राम मंदिर बोल रहे हैं कि इसी मोदी के काल में अभी एक साल हुआ है हम बनाएंगे, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, इनके लिए कोर्ट कचहरी कोई मतलब नहीं। एक फ्रंट पर कमलनाथ साक्षी कुछ बोलती, दूसरे फ्रंट पर मोदी जी कुछ बोलते, तो हम लोग जो तरह तरह की जो भ्रांतियां थी मैंने स्पष्ट किया, जो एक गठबंधन का विलय की जो बात शुरू हुई आपको याद कराना मैं चाहता हूं। हमने कहा कि लालू यादव लड़ नहीं सकता, हम उम्मीदवार नहीं है, हमारे परिवार में और हमारा आरजेडी परिवार में और हमारे परिवार में कोई आदमी इंटरेस्टेड नहीं, हमारे बच्चे दोनों छोटे हैं, हमारी पत्नी है रामदीप देवी, मैं साफ साफ हमने कहा। देखिए तरह तरह की बातें मैं जानता हूं कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरह से काम करती है, जगह जगह जो है, अब नाम लेने से नहीं, जो मीडिया में भी जो सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित है लोग बोलते रहते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि नी जल्दी आवर है, नीतीश तो मुख्यमंत्री है, समर्थन जारी है, बीच में हमारे सामने आया कई एक लोग बोलते रहे कि आप जैसे जीतन मांझी कि आप नीतीश को भी गिरा दो और हमको नेता मान लो तो हम आपके साथ आ जाएंगे, तो हम उस फंदा में हम बेवकूफ नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जो हमारे परिवार के हम लोग के रिश्तेदार भी हैं और सब इस परिवार के हेड और मुखिया हैं, इनको हमने देखा कि तरह तरह की जो भ्रांति फैल रही है, देश में भ्रम हो रहा, और जो सड़ा सड़ा आदमी है बीजेपी के साथ जो लाई भी है वहां पर बिहार का कुछ बिछाने सूता हुआ भी आदमी कमेंट पास कर रहा है, ये मिल ही नहीं सकते, ये इकट्ठा हो ही नहीं सकते, ये कुछ हो ही नहीं सकते, तो सारे लोगों को हम लोग बात करें। हमने माननीय मुलायम सिंह जी को अधिकृत हमायत दिल्ली से ये रोज रोज इस काम के लिए हम लोग आए कि सर आपको हम अधिकृत कर देते हैं, इस परिवार का फेड है, प्रेसिडेंट भी है और आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी है, आप जो तय कर दीजिए, हमारे यहाँ हमारे पास कोई दूसरी बात नहीं है, हम लोग मानने को तैयार हैं और आप
इनको मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का नाम हमारे यहां कोई नहीं था, हमारे पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। तो हमको सांप्रदायिकता के फन को कुचलने के लिए आज बिहार के लोगों के बिहार के चुनाव पर सारे देश का निगाह लगा हुआ है कि बिहारी लोग क्या करता है, लालू क्या करता है, नीतीश क्या करता है, माइनॉरिटी बात कर रही है, ये मिलता क्यों नहीं है, लोग क्या कर रहा है। क्योंकि जो दहशत है इंटरनल उसका बयान नहीं किया जा सकता है माइनॉरिटी में। तो हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को हमने कहा कि ये मत समझिए कि आप निष्पक्ष होकर के, ये नहीं कि हम हैं ही नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, आप हम लोग के मुखिया हैं, आप फैसला ले लीजिए। और जो फैसला ले लीजिए वो सबको, बिहारियों को, पूरे आरजेडी को और सब दल को, सबको मान्य होगा। तो नीतीश कुमार का इन्होंने घोषणा किया। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, आम अफराइज हम अपने पार्टी की तरफ से कि जो भी निर्णय लेने के लिए ये बीजेपी को रोकने के लिए, तो हम अधिकृत हैं और उस अधिकृत के नाते हम नीतीश कुमार का नाम आपने मुलायम सिंह जी ने आगे रखा है। हम लोग का कोई मतभेद नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है, जो बातें चलते रहती थी। हाँ, हर आदमी को स्वतंत्र रहन, दोनों तरफ पार्टी में कोई ना कोई बात बोलते रहते, कोई कमेंट करते रहते, कोई अपनी राय देते रहते, तो राय दे सकता है कोई, लेकिन फैसला तो यहां से होना है। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने, नीतीश कुमार जी सुन रहे होंगे, हम सभी लोग, दोनों दल के लोग, खास करके वहां जो हम जेडीयू और बीजेपी है, जो मेजर दल है और जो ताकतवर दल है, वहां पर आप इसको इनकार नहीं कर सकते। दोनों दल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मेरा अपील है कि अपने अपने जीत पर कंट्रोल रखें। हमको मुकाबला हमको करना है, इनको शिकस्त देना है और शिकस्त देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सक्र ताकतों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, मीडिया के भाइयों से प्रार्थना है, अब आप लोगों से भी, कि कोई बोलता हो, हम बोलते हो, गुप्ता बोलते हो या त्यागी बोलते हो या वो बोलते हैं, अवधि रहकर राउंडी रहकर तो हमसे वेरीफाई करें। कोई बोलते अवधि रिकॉर्ड माने सूत्रों के हवाले, मैंने ये सबसे अच्छा है कि असली सूत्र यहाँ बैठा हुआ बोला है, इनसे पूछ लीजिए, शरद भाई इनसे पूछ लीजिए। अब ये हम सब लोग को यही आप लोगों को सलाह देंगे, आपको आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन एक मीडिया कुछ चला दिया और सब आदमी पर आप लोग पर लाठी चलता है, वहां निकल गया तुम क्या कर रहे थे, तो सब धनाधन चलाते रहते आप लोग। तो हम लोग एक है, एक होके बिहारी भाइयों सब एक हो जाओ, हम एक है और एक होकर के हम इनका, हम दिल्ली से पूरा दिल्ली माने पूरा हम बिहार से इनका विदाई करेंगे। हवा ऐसा बहेगा इस बार कि इस हवा में ओसौनी हो जाएगा भाजपा का जो जन विरोधी सरकार है, जन विरोधी ही नहीं किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों को वादा करके बदल गया, दागा देके बल्लम हुआ बदल गया, ये भोजपुरी बताता। तो ये सब लोग जुट करके हम मुकाबला करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी के को हम धन्यवाद देते हैं कि आप पूरी शक्ति लगा के रामगोपाल भाई सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग बिहार के कैंपेन में अब कूद जाए। और जहां तक सीटों का सवाल है, तो सीट के सवाल पर जब दिल मिल गया तो हम लोग बैठ करके सीट भी कौन मोर्चा पर कौन साथी रहेगा, कोई दिक्कत कहीं हुई तो माननीय मुलायम सिंह जी, शरद जी हैं, हम लोग हैं, नीतीश है, उस स्तर पर शॉर्ट आउट हो जाएगा। तीन तीन दोनों तरफ से जो नाम लिखा गया कुछ अखबारों में, ऐसा कोई नाम नहीं तय हुआ, ऐसा कोई नाम नहीं तय हुआ। हम देखा कई अखबारों में फलाना भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, चिलाना भी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग गर्मी सह करके पूरा पलटन के साथ आप लोग आए, तो ये आज पता छेप हो गया। हम अपने नेताओं से एक मिनट, हम बिहार के हमारे नेता लोग, रघुवंश बाबू, जगता भाई, सारे लोग जितने भी हो, सिद्दीकी जी आप लोग सुन रहे होंगे, अब बात यहीं पर
यहीं से हम लोग सब सारी बात मुलायम सिंह जी का मान लेना, लालू यादव का बात मान लेना, और हमको लड़ना है भाजपा से, और मानेगा ही लोग, ऐसी कोई दूसरे लोग इधर उधर नहीं है। अब सांप्रदायिकता को हटाओ, वो सौंदी करो वहाँ से, बताइए प्रेम गुप्ता को बजा बदनाम करना। भामा साहब है तो अब क्या करें, भामा साहब घर में पर्दा दिए तो देखे नहीं। तो इसमें हम लोग बात आवे लोग ईमानदारी से सब लोग रहे, उससे कोई हम लोग को परहेज नहीं है। कांग्रेस के साथ भी हम रहे हैं, एनसीपी को भी हम जीता के भेजे, कांग्रेस को भी जीता के भेजे, आपको हाल ही में लेफ्ट है और जो भी साथ में है, बहुत तो आवे, नहीं तो आना चाहिए सबको।